तो भाई आज बर्फ वाली हवेली पर जाकर बंदे टपकाएंगे, जो ऑटोगन सबसे पहले मिलेगी उसी से पूरे मैच में तबाही मचाएंगे। और आज की वीडियो में आप सबको एक खुशी की बात भी बताएंगे, नफरत न करके दूर दिल ते साथ निभाइयो। एक बात बोलूँ तो कैसे हो मेरे पबजी वाले भाइयों, तो भाइयों आज की वीडियो में फिर से भाई तबाही मचने वाली है, क्योंकि आज मैंने सोचा था कि भाई जो मुझे आज सबसे पहले ऑटोगन मिलेगी ना, आज ना पूरे मैच में उसी को यूज करेंगे। और आज मुझे भाई ऑटोगन सबसे पहले मिली UMP, जिसे भाई मतलब बस क्या बताऊँ भाई, मैच निकालना मुश्किल हो गया। और आज की वीडियो में ना आपको एक खुशी की बात भी बताऊंगा, तो सुनकर जाना। और भाई मैंने ऑल पे बोला था कि भाई सभी के सभी जो है बर्फ वाली हवेली पर आ जाना, प्रसाद दूंगा, लेकिन भाई सिर्फ 4 ही बंदे आए प्रसाद लेने। Marked a location. Marked a location. और भाई हमारे 2 नंबर को देखो, ऐसा लग रहा था कि भैया इसके पैरों में हाथों में मेहंदी लगी हुई है, इसलिए भाई साहब यहाँ पर आ ही नहीं रहे थे, या फिर भाई उसे किसी की झूठी बीड़ी मिल गई होगी, भाई उसे ही उठाकर पीने लग गए। और मुझे बताने लग रहा है कि यहाँ पर बंदा है, खुद जो है वहां पर बैठा हुआ है, ये सोचकर कि भाई पेटी बनेगी तो इसकी ही बन जाएगी, मैं बच जाऊंगा। अगर इसने सभी को टपका दिया तो जाकर लूट कर लूंगा, नहीं तो 9-2-11 हो जाऊंगा। देखो भाई इतने चालाक बंदे भी है पबजी के अंदर, अगर इतना दिमाग वैसे लगा लेना ये तो सच में तबाही मचा दे पबजी में। अब जो भी अभी अभी इनको तो टपका दिया था, 2 बंदे हाथ में आए और एक बंदा 9-2-11 हो गया, और उसकी मौत देखो भाई कैसे हुई। अब ये ओ लोग है भाई जो ना तो खुद टपकाएंगे और ना किसी को टपकाने देंगे। भाई मेरे हाथ तो टपक जाता तो शायद दोनों का भला हो जाता। अब इन सबको यहाँ पर टपकाने के बाद भाई हम निकल जाते हैं थोड़ा सा नहा नू कर, भाई कपड़ों में थोड़ी सी बदबू सी हो गई थी। और हमारे 2 नंबर को देखो स्केटिंग करता हुआ आ रहा, भाई बंदे टपकते नहीं और भाई स्केटिंग करने आते हैं बर्फ पर। और ये देखो भाई बोट भाई साहब इस तरह से भागने लग रहे थे जैसे तो किसी बोटनी ने इसे धोखा दे दिया, और ये भी भाई पानी में डूब कर टपकने की सोच रहा हो। तो इन सब को टपकाने के बाद भाई हम यहाँ से निकलते हैं। और इस वाले मोड में ना भाई पबजी वालों ने ना कुछ छेड़छाड़ की हुई है भाई ब्राइटनेस को लेकर, क्योंकि इसमें ना चाहे आप फुल ब्राइटनेस रखो फिर भी डार्क डार्क सा दिखता, तो इसलिए मैं इसके गेम प्ले ना थोड़े कम डालता हूँ, क्योंकि भाई ये डार्क डार्क सा दिखता ना तो मजा सा नहीं आता यार। तो इसलिए अब मात्या भाई ड्रॉप के पास, और आज जो हमने देखो भाई यहाँ से ये गन भी नहीं ली, तो आज UMP से ही खेलेंगे और इसी से जो भी टपकेंगे ना इसी से ही टपकाएंगे बंदों को। और आपको खुशी की बात भी बताऊंगा, तो खुशी की बात सुनकर जरूर जाना। अब हम घूमते घूमते भैया आ गए यहाँ पर, बंदे मिल ही नहीं रहे थे भाई, सारा एंगल ढूंढ लिया, अब कुछ ही बंदे बचे हुए थे और अब लास्ट वाली फाइट जो है यहीं पर होने वाली है। और अब इस ड्रॉप लुटेरे को तो भाई हम लूटने वाले हैं, और जब भी ऐसी जगह पे ड्रॉप हो ना तो एकदम से मत घुसा करो, नहीं तो आपकी लोबी की तरफ विदाई हो सकती है। अब इसको तो मिल गई थी भैया मुक्ति, और मुझे कुछ लूटने की जरूरत थी नहीं, मुझे तो बस भाई बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए थी, मेरे पास 1 लेवल की थी अभी तक। और इसका एक बंदा जो है शायद पीछे बचा हुआ था, ये पीछे की तरफ से आए थे, तो जब हम यहाँ से जाने लग गए तो भैया उसने भी फायर की कि भैया ऐसे मत जाओ, मुझे भी आशीर्वाद चाहिए, उसे भी आशीर्वाद देते हैं। वैसे ये देखो भाई कैसी जंग है पे ये रैंक पुश करने लग रहे थे, और इसने भी भाई ड्रॉप लूटा हुआ था, M249 थी भाई के पास।
और अब ये दो अमीर लोग आ गए थे भाई, बहुत ही महंगी गाड़ी लेकर इनको तो टपका दिया। लेकिन अब जो पत्थर के पीछे वो बंदा था ना, जो ये समुद्र के किनारे रैंक पुश करने लग रहे थे भाई, इनका एक बंदा बचा हुआ था वो परेशान करने लग रहा था, तो इसको टपकाएंगे। लेकिन भाई जो SMG है ना, वो लॉन्ग रेंज में रोज आती है बिल्कुल, इसकी एमओ जो है बहुत ही ज्यादा लेट जाती है, तो इससे तो मैं इसको ऐसे नहीं टपका पाऊंगा। लेकिन टपकाएंगे जरूर, अब कैसे टपकाऊंगा वो देखना, और आपको खुशी की बात भी बताऊंगा, तो थोड़ा सा वेट करो। अब मैं वहां से एमओ लेकर आता हूँ, और मैं दो नंबर को बोलता हूँ कि भाई यहीं पर रहियो, अगर मुंडी दिखाए तो टपका दियो उसको, और मैं जाता हूँ भाई पीछे की तरफ। और यहाँ पर भाई ये वाला बंदा बहुत ही खतरनाक तरीके से टपका, और आप में से ना आप कुछ ये बोलेंगे कि भाई आपने तो फायर करना ही बंद कर दिया था, फिर कैसे टपका। तो SMG की एमओ जो होती है ना, वो थोड़ा सा लेट जाती है, तो जो निकल गई थी भाई गन से और बाद में इसको कनेक्ट हुई ना, तो ये बंदा टपक गया, और वैसे भी इसे टपकना था भाई, इसकी किस्मत में टपकना ही लिखा था। और आज देखो भाई हमने M249 तक नहीं उठाई, तो इस बात के लिए एक लाइक कर देना। और आज वाला चैलेंज भाई मुझे बिल्कुल भी मतलब पसंद सा नहीं आया, ऐसी गन नहीं थी ये कि भाई बिल्कुल बवाल मच गया हो। शॉर्ट गन भी हो ना भाई, तो उसमें भी शायद ज़्यादा मजा आए क्लोज फाइट में, क्योंकि वो खतरनाक होती है भाई। लेकिन ये वाली कुछ खतरनाक नहीं थी, बस तुक्के लग रहे थे भाई, टपक जाते थे भाई, और क्या था। नहीं तो अगर ज़्यादा क्लोज फाइट होती ना, तो टपकना मुझे ही था। अब UMP का चैलेंज आगे कभी भी नहीं करूँगा, और आपको मैंने बोला था कि मैं खुशी की बात बताऊंगा, तो मैं आपको ना खुशी की बात बताता हूँ। तो भाई जब मैं LKG में था ना, तो एक खुशी नाम की लड़की थी, और वो बहुत दुखी रहती थी भाई, क्योंकि उसकी एक फ्रेंड थी खुशबू नाम की, जिसमें से भाई कभी कभी बदबू आती थी, क्योंकि भैया वो 4-5 दिन में नहाती थी। वैसे ये मैंने सिर्फ मजाक के लिए बोला, कोई ज़्यादा सीरियस मत लेना। और मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि मैं खुशी की बात बताऊंगा, तो खुशी तो भाई लड़की भी हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चलो आपको खुशी की बात बता देता हूँ। आज मेरे पास ना एक मेल आया था, जिसमें उन्होंने ये बोला, अब कुछ भाई बोलने लग रहे थे ना कि भैया सिल्वर प्ले बटन की अनबॉक्सिंग कब करोगे, तो मेरे पास आज मेल आ गया था, और उन्होंने बोला कि भैया आपका चोरी करने का अवार्ड हो, किल चोरी करने का अवार्ड जो है 15 तारीख को आपको मिल जाएगा, तो आकर ले जाना, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपको देने आए वहाँ पर गाँव में। तो अब शायद मैं कल जो है अपना सिल्वर प्ले बटन लेने जाऊँ, तो मज़ा आएगा भाई आपको जो है, शायद कल गेम प्ले वीडियो ना देखने को मिले, शायद आपको कल जो है सिल्वर प्ले बटन की अनबॉक्सिंग वीडियो देखने को मिले। और अब यहाँ पर भाई ये दो चुन्नू मुन्नू और आ गए थे, अब इनको और मुक्ति देते हैं। और यहाँ पर गेम प्ले खत्म, डाटा हजम, और भाई आप बताओ कि आपको खुशी वाली बात कैसी लगी। और अगर किसी कन्या का नाम भाई खुशी खुशबू था ना, तो बुरा मत मानना, ये सब जो है मैंने बस मजाक के लिए बोला है। और अब वेट करते हैं, कल हमारा अगर सिल्वर प्ले बटन आ जाता है ना, तो उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो कल कर देंगे, नहीं तो भाई परसों तक आपको जो है मिल ही जाएगी। और आज का जो ये चैलेंज था ना भाई, मुझे नहीं लग रहा था कि मेरे इस गेम में इतने किल भी हो जाएंगे, तो मुझे लास्ट में बंदे मिल गए भाई, इसलिए इतने किल हो गए। वैसे मैं नहीं चाहता था कि भाई मुझे UMP चैलेंज के लिए कभी आगे और कोई मैच खेलना पड़े भाई, ये इतनी मुश्किल से निकला, एक तो बंदे नहीं मिले, ऊपर से भाई गन ही ऐसी थी, तो जैसा भी था भाई गेम प्ले हमारा निकल गया। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई अपने हाथों को मत रोको, लाइक और सब्सक्राइब के बटन को ठोको, और बेल आइकन भी दबा दियो भाई, तभी तो किलचोर मचाएगा तबाही।